रे डायग्राम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दो टाइप से बनता है, एक तो स्ट्रेंड आई के लिए बनता है और एक लिस्ट स्ट्रेंड आई के लिए बनता है। तो मैं दोनों डायग्राम बना रहा हूँ, पहले हम बनाते हैं लिस्ट स्ट्रेंड आई के लिए, पहले हम स्ट्रेंड आई के लिए बना लेते हैं क्योंकि मोस्टली जो होता है स्ट्रेंड आई का जो कॉन्सेप्ट है या जो पॉइंट है वही पूछा जाता है एग्जाम में, और दूसरा जो होता है लिस्ट स्ट्रेंड आई को हम बाद में बनाएंगे। तो पहले हम बनाते हैं स्ट्रेंड आई के लिए, फॉर स्ट्रेंड आई। स्ट्रेंड आई के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, डायग्राम बनाना है, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे आप क्योंकि डायग्राम बनाने में ही पूरा पॉइंट है। डायग्राम आप अच्छे से बना लेंगे तो 2 मार्क्स आ जाएंगे आपके, अकेला डायग्राम 2 मार्क्स एग्जाम में आता है। स्मॉल अपर्चर का होगा, अब देखो नॉर्मल रूल तो ये है कि ये बनने के से पहले या मतलब ये लेंस बनाने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी तो उसकी इमेज बनेगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले इमेज का अनुमान लगा लेना है। सपोज करो आप सोचो कि लगभग मुझे यहाँ इमेज बननी चाहिए, यहाँ मुझे इमेज मिलनी चाहिए, ये पॉइंट लगा देंगे आप इमेज के लिए, और फिर क्या करेंगे यहाँ से इन रेज को ड्रॉ करना शुरू करेंगे, इसको यहाँ पे और ये इसके फोकस में से आएगी तो कुछ ऐसे, और अब इनको पीछे लेके जाओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे आप, पहले ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो डायग्राम है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो आई आपके पास ये होगी वी नॉट, इसकी इमेज डिस्टेंस, ओके। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इन रेज को थोड़ा सा आगे जब ऐसे लेके जाओगे तो यहाँ आपको लगाना है आई लेंस, यहाँ आई लेंस लगा देंगे, ओके। और अब क्या करना है, आप एक अनुमान लगाओ कि सपोज करो मुझे किसी इसी इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ चाहिए, तो क्या करोगे इस पॉइंट को यहाँ से ये जो रेज हैं जैसे इसमें जाएंगी तो एक तो यहाँ से ऐसे रे ड्रॉ कर देंगे आप, इसको यहाँ ले आएंगे, ये थोड़ा सा पहले मिल गया ना, या ऐसे करोगे तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न करेगा आपको, तो इसको कुछ ऐसे करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, और जो तीसरी रे है इस प्रकार से ये आपके पास यहाँ पे फाइनल इमेज बन गई है, फाइनल इमेज बन गई है। इसको पीछे लेके जाओ इन रेज को, ये आपके पास हो गया आई का पॉइंट, बिल्कुल आराम से आप नीट एंड क्लीन डायग्राम ऐसे बना सकते हो। ये जो फाइनल इमेज बनने वाली है ये बनेगी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है। अब इसके कुछ नाम लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी उसको हम बोल देंगे ए डैश बी डैश, ओके, और ये जो फाइनल इमेज बन गई इसको हम बोल देंगे ए डबल डैश, और यहाँ पे क्या बोल देंगे बी डबल डैश। ये जो डायग्राम है ये है लिस्ट, ये है स्ट्रेंड आई के लिए, लिस्ट के लिए नहीं, ये किसके लिए है, स्ट्रेंड आई के लिए है, और इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। अब वो मैग्नीफिकेशन कितनी होगी इसकी, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए साथ में, और लिख लेते हैं, डेरिवेशन हम बाद में करेंगे लेकिन इसके साथ आप लिख लेंगे। देखो ये आपके पास जो लेंस है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस से दूर रखा हुआ है, ठीक है, और उसकी इमेज बनती है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस होगी। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इस कॉन्वेक्स लेंस की मैग्नीफिकेशन क्या होगी, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, एम ई लिख देता हूँ मैं, आई लेंस की मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होगी, वो होगी माइनस वी नोट डिवाइड बाई यू नोट, माइनस वी अपॉन यू मैग्नीफिकेशन होती है, ठीक है। अब ये जो लेंस है देखिए, इस लेंस के पास यहाँ ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की साइड में ही हमने इमेज को लिया है, इसका मतलब इस लेंस को हमने इस प्रकार से एडजस्ट किया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस
और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ये फोकस किसका है, इस लेंस का है, मतलब ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पे है, इसको मतलब इस लेंस को, आई लेंस को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो ये एम ई नहीं था, सॉरी एम ओ था, और ये आई लेंस को हम यूज़ कर रहे हैं एज द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में जब इसको यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है 1 प्लस डी डिवाइड बाई फोकस। और फोकस आई लेंस का है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। अब जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो इन दोनों से है, टोटल मैग्निफिकेशन इससे और इससे है, तो इन दोनों से टोटल मैग्निफिकेशन है। तो टोटल मैग्निफिकेशन एम हमारे पास आ जाएगी एम ओ इंटू एम ई। एम ओ हो जाएगा माइनस वी नोट डिवाइड बाई यू नोट, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी डिवाइड बाई एफ ई। ये स्ट्रेंड आई के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, स्ट्रेंड आई के लिए किसका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इसमें ये जो फाइनल आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसे कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल इमेज बनेगी हमारी, फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनेगी। फाइनल इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और वहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि फाइनल इमेज हमारी इन्वर्टेड बन रही है। बट ये कोई एक बड़ा इश्यू नहीं है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, क्योंकि हम बहुत ही माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं इसके अंदर, और माइक्रो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इन्वर्ट होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे आपके माइनस आ रही है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन गई तो इसको ऑब्जर्व करने में हमें कोई समस्या होने वाली है, ऐसा कोई इश्यू नहीं होने वाला है। ओके, तो ये आपके पास हो गया किसके लिए, वेहन आई इज स्ट्रेंड। स्ट्रेंड आई के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करेंगे, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। कैसे आया वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ, तो डेरिवेशन आप देख लेंगे, ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन इन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है। अब जो नेक्स्ट पार्ट, इसमें नेमिंग भी आप कर देंगे, जैसे ये है इसको आप लिख देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये कौन सा है, आई लेंस है। टुवर्ड्स द आई सो इट इज नोन एज द आई लेंस, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट सो इट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, और ये बाकी सारे नेम हमने कर दिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इमेज की होगी, ये इसका फोकस हो गया, ठीक। ओके, ये फाइनल इमेज अगर हमारी 25 सेंटीमीटर पे बनती है तो वो स्ट्रेंड आई का केस होता है। स्ट्रेंड आई का केस का मतलब ये होता है कि आपकी आई पे थोड़ा सा स्ट्रेन होगा, मतलब आपकी आई में थोड़ा सा स्ट्रेन हो रहा है उससे देखने में। अगर उससे कम डिस्टेंस पे आप लेके जाओगे तो आप फिर क्लियरली नहीं देख पाओगे। एक लिस्ट स्ट्रेंड आई का केस होता है, लिस्ट स्ट्रेंड आई का केस में डायग्राम कैसे बनेगा वो देखिए हम कैसे बनाते हैं फॉर दी लिस्ट स्ट्रेंड आई। और उसमें जो मैग्निफिकेशन होगी वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन नहीं होगी, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, उसकी मैग्निफिकेशन कुछ कम हो जाएगी। तो लिस्ट स्ट्रेंड आई के लिए करते हैं हम, नेक्स्ट जो डायग्राम हमारा होगा वो होगा लिस्ट स्ट्रेंड आई के लिए। क्या है, फोर लिस्ट स्ट्रेंड आई। लिस्ट स्ट्रेंड आई में जो फाइनल इमेज बनती है वो क्लियर विजन के ऊपर नहीं बनती। क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर होता है, उससे कम का विजन क्लियर नहीं होता, मतलब वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगी, तो आई पे इतना स्ट्रेन नहीं आएगा। तो लिस्ट स्ट्रेंड आई के लिए जो डायग्राम आप बनाएंगे, देखिए उसके अंदर क्या करना है, पहले आप ऑब्जेक्टिव लेंस बना लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया है। सिमिलरली जो आपने पहली बार किया था उसी प्रकार से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और उससे रेज को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और इनसे आप ऑब्जेक्ट का अनुमान लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है आपको। ओके, ये हो जाएगा ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया यू नोट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये जो इमेज बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोल देंगे, वी नोट बोल देंगे। ये इमेज आपके पास बन गई है, इसको आप बोल देंगे ए डैस, और क्या बोल देंगे, बी डैस। अब क्या करना है, अब आपको बनाना है आई लेंस, तो आई लेंस अब बना देंगे आप यहाँ पे। दोनों लेंस पहले बना के नहीं रखने, अगर मान लीजिए लेंस आपने यहाँ बना दिया होता तो डायग्राम में गड़बड़ हो जाएगी। दो तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से अच्छे से डायग्राम बना देंगे आप। अब क्या करना है देखिए, अब ध्यान देखिए कि लिस्ट स्ट्रेंड आई के केस में क्या होता है। लिस्ट स्ट्रेंड आई के केस में हम ये जो आई लेंस है उसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज है ये इसके फोकस पे आ जाए,
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाए, अफी। ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, अफी के बराबर हो जाए। तो हमारा जो केस होगा वो लीस्ट टेंड आई का केस होगा। और इस केस में जो आपके पास फाइनल इमेज बनने वाली है, फाइनल इमेज बनने वाली है, वो फाइनल इमेज इस प्रकार से इन्फिनिटी पे चली जाएगी। फाइनल इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। यहाँ जब आप ये देखोगे तो ये आपके पास हो गया आई का पार्ट, ठीक है। ये डायग्राम आप बना देंगे। देखिए इस केस में क्या होने वाला, मैग्नीफिकेशन जो होगी, मैग्नीफिकेशन तो उसी प्रकार से प्रोडक्ट ही होने वाली है। टोटल मैग्नीफिकेशन होगी वो होगी मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, ओके। पहले वाला केस देखिए आप, वो था माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू वन प्लस डी डिवाइड बाई अफी, वन प्लस डी डिवाइड बाई अफी। इस केस में ये जो डिस्टेंस है ये वेरी लार्ज होने वाली है, ये डिस्टेंस वेरी लार्ज होने वाली है। तो जो मैग्नीफिकेशन होगी उसका फॉर्मूला ये होगा, एम नोट तो हो जाएगा माइनस वी नोट अपॉन यू नोट उसी प्रकार से, और एम ई हो जाएगा डी डिवाइड बाई एफी। एम ई किसके बराबर हो जाएगा, डी डिवाइड बाई एफी के बराबर आ जाएगा। मतलब आप इसको लिख दोगे माइनस वी नोट डिवाइड बाई यू नोट इंटू डी डिवाइड बाई एफी, ओके। तो ये जो केस है, ये जो फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ये किसके लिए है, ये है लीस्ट टेंड आई के लिए। और ये जो है ये मैक्सिमम नहीं है, ये आपके पास आई नॉर्मल जो मैग्नीफिकेशन होने वाली है वो होने वाली है। और जो पहले वाला केस मैंने किया था स्ट्रेंड आई के लिए, इसका फॉर्मूला आया था माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू वन प्लस डी डिवाइड बाई एफ ई। तो एफ ई, ई जो है ना आप कैसे लिखना है, एफ ई ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं इसे। एफ फॉर फोकस और ई फॉर आई लेंस, तो इसके बेस के ऊपर ये ई लिखना है, ओके। तो ये जो दो डायग्राम हो गए, अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और दो तीन बार अगर इन डायग्राम को आप ड्रॉ कर लेंगे तो आप ये कन्फर्म करके चलो कि एग्जाम के अंदर आपके 2-3 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल आपने स्क्योर कर लिए हैं। क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछने की, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रे डायग्राम है वो एग्जाम में आपसे ड्रॉ करवाएगा, लेबल डायग्राम करवाएगा। तो लेबल डायग्राम में आप नाम लिखेंगे यहाँ पे, ये कौन सा लेंस है, ये टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट है तो इसको आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये टुवर्ड्स दी आई है तो इसको क्या बोलेंगे, आई लेंस है। बाकी लेबलिंग हमने कर दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ये इसका क्या है, फोकस है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वो फॉर्मूले लेके आ रहे हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन को कैसे ड्राइव करेंगे वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है।